शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी शैक्षणिक संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु प्रति सप्ताह टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है, जिससे विद्यार्थियों के शिक्षा की गुणवत्ता को परखा जा सके। इसी कड़ी में रविवार को भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया। इस टेस्ट सीरीज में विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने संस्था के ही पूर्व छात्र एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश जैन विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कैसे पाई जाए इसके सूत्र बताए। अंचल सहित पूरे प्रदेश में बेहतर शिक्षा प्रदान करने विख्यात सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज बीते लगभग 26 वर्षों से विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने न सिर्फ प्रयास कर रहा है, बल्कि इस संस्थान से कोचिंग करने वाले विद्यार्थी वर्तमान में जो देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करा रहा है। बता दें, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती रही है और टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने संस्थान के ही पास आउट विद्यार्थी जो कि आज वर्तमान में अपनी सेवाएं विभिन्न राज्यों और शहरों में दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की जाती है। इसी की तर्ज पर इस सप्ताह विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने यहाँ के पूर्व छात्र नितेश जैन विशेष रूप से शामिल हुए। बताना चाहेंगे, नितेश जैन 2003 बैच के विद्यार्थी रहे हैं और अभी वर्तमान में डॉक्टर नितेश जैन शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही नेत्र सर्जन भी हैं। अपने ही संस्थान पहुंचे पूर्व छात्र डॉक्टर नितेश जैन ने विद्यार्थियों से चर्चा की और उन्हें सफलता के टिप्स दिए, साथ ही टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी उन्होंने डायरेक्टर के साथ मिलकर किया। जीवन में ना भगवान ने ऐसा बनाया कि स्ट्रगल अभी करो नहीं तो बाद में करो। स्ट्रगल तो करनी होगी, अभी की स्ट्रगल पेरेंट के साथ, अभी की स्ट्रगल में पेरेंट आपके ताकतवर हैं, वो संभाले हुए हैं। बाद की स्ट्रगल में पेरेंट साथ नहीं रहेंगे, खुद को झेलना होगा, खुद को देखना होगा, पूरी ताकत खुद ही लगानी होगी। अभी आप सब सहूलियत से हो, आपके पास एक संस्थान है, इतने सारे लोग हैं, आपको चीफ गेस्ट के रूप में अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं, और पीछे से पेरेंट आपको क्या बोलते हैं कि बेटा चिंता नहीं करना, तुम खाली पढ़ो, हो गया तो फिर ऐसे बन जाओगे। और थोड़ी मेहनत कम कर ली, इधर थोड़ा आराम कर लिया, तो एक सराउंडिंग रहेगा मेडिकल कॉलेज का, तो वो अपने आप धीरे धीरे सब पार होते जाता है। यही पार नहीं कर पाया नीट का एग्जाम तो फिर वहीं रुकेंगे, है ना, फिर दूसरी फील्ड देखनी पड़ेगी। तो बेटर है कि हमेशा मन में एक मलान ना रहे कि नहीं किया उस टाइम मैं कुछ और, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में, ठीक, तो वो सबसे बच के रहना है। और जो अपने को एक बार ठान लिया कि हमको करना है, अब तो एग्ज़ाम एकदम पास है, बाकी सब चीज़ दूर है ना। जो भी आपको मोबाइल का भी यूज़ करना है लिमिटेड यूज़ करिए, है ना, जो आपकी पढ़ाई की इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ना है, ठीक। अब मैं एक आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो भी बता रहा हूँ, लोग पूछते नहीं कुछ इनको बताना पड़ता है। चल रही है आप लोग की तैयारी, आप इन लोग सर, और मैं भी इसी रैंक में रहता था, है ना, टॉप 20 रैंक में रहने की एक होड़ लगी रहती थी, महीने भर इसी, मतलब हफ्ते भर इसी के लिए पढ़ाई करो, है ना, वो रहता था। वो छोटी छोटी जो पढ़ाई रहती है ना, वो आखिरी में काम आती है, छोटे 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 करते हुए अपने को आखिरी टाइम में एकदम पूरी मेहनत देनी, तब वो जो PMT या नीट का जो भी वो है पढ़ाओगे वो पार होगा, ठीक। आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे बहुत आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगा, एक बार आखिरी में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि पूरा सबसे आगे निकल के बस उसको पार करना है। नीट में अच्छी रैंक लानी है अपने को, मंचा मेडिकल कॉलेज चाहिए, सबको यही रहेगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही ले रिसीट में, ठीक है। सबका बैकग्राउंड आप लोगों का मिडिल क्लास। अपने ही संस्थान ने मुख्य अतिथि बनने की खुशी डॉक्टर नितेश जैन ने जताई, वहीं कोचिंग करने के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इसका उद्देश्य बताया। पहले आपका परिचय। मैं डॉक्टर नितेश जैन मैं अभी शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर में हूँ। मैं नेत्र रोग विभाग में हूँ, एक नेत्र सर्जन हूँ, और मेरी प्राइवेट क्लिनिक नौकार डायग्नोस्टिक एंड आई क्लिनिक
ग्रीन चौक दुर्ग में। बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहा हूँ मैं, यहाँ मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। सर के सानिध्य में मैंने अपनी जो तैयारी थी, अपना कठिन समय था पीएमटी टाइम, 21 साल हो गए उस बात को, 22 साल पहले, 2 साल मैंने ड्रॉप लिया था, तो सर के गाइडेंस में मैंने तैयारी करके वो जो एक पहाड़ है पीएमटी उसको मैंने पार किया था। देखिए सोशल मीडिया मैडम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी है, जैसा अपन सभी जानते हैं कि इंटरनेट जो है उस एक बूम तो है ही है, लेकिन कुछ बच्चे उसका गलत यूज़ भी करते हैं, अच्छा यूज़ भी करते हैं, और एक मन जो रहता है इस अवस्था में एक चंचल रहता है। जब तक आपको किसी का किसी बड़े का सानिध्य नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में ईजिली जा सकते हैं, तो आपको एक अच्छी संस्था, एक संस्कारी संस्था से भी जुड़ना जरूरी, जैसे सदैव न्यू पीटी कॉलेज है जो आपको सही रास्ता दिखाए, अदरवाइज भ्रमित होना बहुत ईजी है इस जगह में। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सभी जानते हैं, लेकिन मन चंचल होता है तो पता नहीं, कभी नहीं पढ़ने का मन हुआ कुछ और देख लिया, कभी टीवी देख लिए, कभी मूवी देख लिए, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मेरा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब काफ़ी पीछे रैंक थी, मैं जनरल कैटेगरी से था, तो मैं काफ़ी उदास था। सर का फ़ोन आया तो मैं आके एक बार मिलो करके, तो उस टाइम मैं आके मिला तो बोले कि कुछ नहीं होता बेटा, अभी 1 साल गया है, हम हैं तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारी फीस भी नहीं लगेगी, तुम आओ और पढ़ाई करो यहाँ पे। उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया तो एक मोटिवेशन अंदर से भी आया कि हाँ फिर से कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई इतना वो डॉक्टर या फिर ऐसा कोई बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं थे, तो एक फ़र्क पड़ जाता है जब आपके साथ कोई एक एजुकेटेड आदमी जो पूरी संस्था को चला रहा है वो खड़ा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हाँ कि आई कैन डू इट, वो वाली फीलिंग आती है। देखिए मैडम, जब ये मेरे को जितना समझ आया उनसे बात करके यही लगा कि ये जो है आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे, एक ग्राफ जैसा है, एक जैसे जस्ट थोड़ा सा, आप क्या होता है बच्चे पढ़ते हैं कि हाँ थोड़ा सा फिर छोड़ देते हैं, तो वो जो हर्डल उनको पार करना है वो नहीं कर पाते, तो जब तक कि वो जो मेहनत का पूरा नहीं देंगे, अपना जो फुल एफर्ट नहीं देंगे, तब तक कि ये पीएमटी का एक अच्छी रैंक से पास नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज़ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना अलग चीज़ है, और मेहनत करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाए वो अलग चीज़ है, वो आपकी मेहनत से ही ज़्यादा संभव है, वही मैंने उनको समझाया। देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है, और जितना है ओल्ड इज़ गोल्ड है, और अभी भी मैं जो इनके बारे में जानता है, मैं 2-3 साल पहले भी आया था, तो डेफिनेटली बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और सर तो सालों से अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली, और वो एक अच्छी पर्सनालिटी है, उनका उद्देश्य ये है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे मतलब बच्चों को ऐसा मोटिवेट करना है ताकि बच्चे मेरे को याद रखें। सर मेरे मेंटर थे, मैं उनको आज भी याद करता हूँ, तो डेफिनेटली सरदेव यूपीटी कॉलेज एक बहुत अच्छा। आज हमारे 10th टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें कि चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पुराने छात्र डॉक्टर नितेश जैन, 2003 बैच का सिलेक्शन है, डॉक्टर नितेश जैन उपस्थित थे। डॉक्टर नितेश जैन 2003 में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे, और इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा महावीर जैन स्कूल दुर्ग की है, उसके बाद इन्होंने MS ऑप्थल्मोलॉजी में किया, और अभी एसोसिएट प्रोफेसर है शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में। तो अच्छा लगता है कोई पुराना छात्र जब मिलता है, तो सबसे प्रसन्नता तो यही होती है कि 2003 बैच में जिसने सिलेक्शन लिया, आज वो हमारे समाज में, हमारे शहर में एक ऊँचाइयों को लेकर चल रहा है। तो मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नितेश जैन आए हैं, और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित। देखिए जब हम अपने छात्रों को मुख्य अतिथि बनाते हैं, तो सबसे पहली सफलता तो हमारी होती है कि अब हमारे छात्र जो हैं, जो हमारे से पढ़े हैं, वो इस योग्य हो गए हैं कि वो मुख्य अतिथि बन रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जिन बच्चों के सामने वो आज प्रस्तुत हैं, कभी उसी स्थिति में खुद रहे हैं, तो ये इनका इन्होंने जो फेस किया है उसी को इनको एक्सप्लेन करना है। और अब चूंकि मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर है, आँख के डॉक्टर हैं, तो ये और भी कुछ टेक्निकलिटीज बता सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी बता सकते हैं इन बच्चों को। और बच्चे इनसे बहुत इम्प्रेस इसलिए होते हैं कि जब ये बताते हैं कि एक समय मैं भी तुम्हारे जैसा ही था और तुम्हारी स्थितियों में ही गुजरा था, तो कोई बहुत अंतर नहीं है, और सफल हो सकते हो और होगे। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर नितेश जैन को डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने सम्मानित भी किया। बहरहाल आयोजित टेस्ट श्रृंखला से विद्यार्थी अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।